दोस्तों गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव रिजल्ट घोषित हो चुका है। गुजरात के अंदर बीजेपी, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बना ली है। लेकिन गुजरात के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने इस बार इतिहास रचा है, उसके बाद अब गुजरात के चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। एक और नया वीडियो यहां पर सामने आया है गुजरात के दूसरे चरण के वोटिंग का, जिसको देख करके आप चौंक जाएंगे। पहले ही लोग ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर के सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन अब दर्जनों सीटों को लेकर के जो ताजा खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पांच बजे के बाद जो एक तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था वो शॉकिंग था, लेकिन इस पर मीडिया की नजर हालांकि नहीं है। हम आपको ये वीडियो दिखाएंगे, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें सामने आ रही है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है यूनिफॉर्म जो है सिविल कोड कानून को लेकर के, और उसके बाद जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के। खुद बीजेपी के नेता ही किस तरह से फंस गए हैं, इसकी भी एक दो वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है देश के गद्दारों को डैश 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 नारा लगाने वाले बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश के अंदर उनके इलाके में किस तरह से चुनाव हारे हैं, इसका भी एक डेटा सामने आया है अनुराग ठाकुर जी के इलाके का, इसको भी हम आगे आपको दिखाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। गुजरात विधानसभा चुनाव रिजल्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो को शेयर भी करिए। चैनल पर अगर आप नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली खबर की। जैसा कि आप जानते हैं गुजरात के अंदर इस बार बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। बीजेपी ने गुजरात के अंदर 156 से ज्यादा सीटें जीती हैं और एक ऐतिहासिक जो है जीत बीजेपी को मिली है। इसका जश्न भी बीजेपी मना रही है, खास करके मीडिया चैनलों में बैठे हुए पत्रकार तो बीजेपी से ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर एक नया वीडियो जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं गुजरात के विधानसभा चुनाव रिजल्ट पर। किस तरह से गुजरात में जब दूसरे चरण का मतदान हुआ है उसमें 5 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेज अंधाधुंध तरीके से बढ़ा है। पहले आप ये वीडियो देखिए और इसके एक एक पॉइंट पर आप गौर करिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करेंगे। देखिए ये वीडियो। तो ये जो परसों का जो वोटिंग रहा दूसरे चरण का, तो आंकड़ा तो हमारे पास जो आया था वो तो 58.80% का था, पर वो बढ़ते बढ़ते हमने भी कहा था कि बढ़ बढ़ के ये हो सकता है 62% तक हो जाएगा, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते जो है 65.30% हो गया है। तो हमने उस दिन भी कहा था, आप देख लीजिएगा कि ये 62 तक जाएगा तो हम समझ पाएंगे, अगर ये 62 क्रॉस करेगा 58.5 से तो फिर समझ के बाहर हो जाएगा। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि चुनावी जो बूथ थे वहां से जो डाटा कलेक्ट करना होता है और उसके बाद फिर उसका वेरिफिकेशन जो करना होता है उसमें एक विलंब होता है, तो उस विलंब के चलते ये जो तफावत है 58.80 से लेके 65.30 का, मतलब ऑलमोस्ट 66.5% का, वो विलंब के चलते ये हम बताना के लिए हमको विलंब हुआ, तो इसी के चलते और कोई कारण नहीं है। लेकिन एक रात, मतलब अगर अहमदाबाद शहर की बात कर ले तो एक रात में शहर का कुल मतदान 52% से बढ़कर 59% हो गया। दरियापुरी जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें सबसे ज्यादा वोटिंग बढ़ गई, 12% वोटिंग बढ़ गई दरियापुर में 5 बजे के बाद। ये अब कह रहे हैं कि वो जो 5 बजे तक बूथ में थे तो उनको सबको तो वोट करवाना पड़ेगा, ये कह रहे हैं इस तरह से। और असारवा, वटवा, दरियापुर में 5 बजे के बाद जो है 25,000 वोट गिरे हैं भाई साहब। एक वोट देने के लिए देखिए अभिषेक भाई 60 सेकंड का टाइम लगता है, तो 20 सीटें ऐसी हुई है जहां पे एक वोट गिरने में 42 सेकंड लगी है, और जान रहे ना मतलब कि वो एक 15 सेकंड का 18 सेकंड का भी एक जो अगर आपको एडवांटेज मिलता तो उसमें आप कितना और वोट डाल सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखा, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर के। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से
पांच बजे के बाद जिस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ा उससे हर कोई भौचक्का है, सब परेशान है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। पांच बजे तक चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया था 58.68% वोट डाले गए हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद आधा एक घंटे में ये वोट परसेंटेज सडनली बढ़ गया 8% से ऊपर। ये जो है वोट परसेंटेज बढ़ गया सिर्फ एक मतलब जो घंटे के अंदर अंदर। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर इस हिसाब से टाइम रिकॉर्ड किया जाए तो एक एक वोट, अगर एक एक वोट की बात करें तो वो 40 सेकंड के अंदर डाला गया है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? आप सोचिए, अगर आप बूथ पर एक वोट डालने के लिए जाते हैं तो क्या आप 40 सेकंड के अंदर एक वोट डाल सकते हैं? आपको बहुत सारी चीजें जो है दिखानी पड़ती है वहां पर, फिर वोट डाल करके आना पड़ता है, तो 40 सेकंड के अंदर पॉसिबल नहीं है, 40-45 सेकंड में, उसके लिए एक मिनट से ज्यादा का ही टाइम लगता है। लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक हर वोट का अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 40 सेकंड के अंदर ये जो है वोट पड़े हैं। उसके बाद कई जगहों पर 20 से 25 ऐसी सीटें हैं जहां पर तो हद ही पार हो गई है, 12-12% वोट जो है बताया जा रहा है कि 5 बजे के बाद पड़े, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसको लेकर के तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। एक ट्विटर यूजर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, सगुफ्ता बोल के, वो क्या लिख रहे हैं यहां पर आप देख सकते हैं, उन्होंने साफ तौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं ये चुनावी रिजल्ट के ऊपर, ठीक है ना। तो खैर, देखना है इस पर चुनाव आयोग क्या कुछ प्रतिक्रिया देता है या नहीं देता है। एक और खबर की बात करते हैं जो कि सामने आ रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के। आप जानते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून एक ऐसा कानून है जिसको लेकर के हमारे देश में मांग हो रही कि इसको लागू किया जाना चाहिए, लेकिन खुद बीजेपी के नेता 4-4 बच्चे पैदा करके बैठे हुए हैं। अब उनसे जब सवाल किया जाता है कि आपके 4 बच्चे कैसे होंगे, तो वो ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कानून क्यों नहीं बनाया, कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया होता तो हम बच्चा पैदा ना करते। यानी कि अगर कांग्रेस कुछ ना करे तो ये अपने मन से अपनी बुद्धि से कुछ करने वाले नहीं है। किस तरह से खुद बीजेपी के एक नेता हैं, सांसद हैं, क्या कह रहे हैं जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। मैं इस पे कहना चाहता हूं कि अगर पीछे मान लीजिए कुछ गलतियां हो गई, इसका मतलब तो ये नहीं कि हम आगे भी गलतियां करते रहेंगे। हमारे देश का फ्यूचर, हम कहते हैं ना कि कभी तो जागना पड़ेगा। नहीं, गलती नहीं रह लो, उनके गलती ना कहा, कांग्रेस नहीं अगर बिल लाती हमको मालूम होता, कांग्रेस लॉ रहता तो हम नहीं करते बच्चा। भाई काहे गलती बोला, कांग्रेस के लोग दोषी हैं इसके लिए। भाई सरकार थी, कानून लॉ उनके पास था, वी वर अवेयर। हम लोग तो बच्चे, हम लोग तो खेलते कूदते अंगड़ाई ले रहे थे जीवन, हम लोग के क्या मालूम रहे हो। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखा, ये वीडियो आप देख सकते हैं मनोज तिवारी के साथ साथ रवि किशन का है, जो कह रहे हैं कि हमारे 4 बच्चे इसलिए हुए क्योंकि कांग्रेस ने कानून नहीं बनाया। अब आप बताइए, हर एक मतलब खामी, हर एक प्रॉब्लम अब इनकी जो है कांग्रेस से ही सॉल्व होने वाली है। 4 बच्चे पैदा करके ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने जा रहे हैं, बनाने की मांग कर रहे हैं। आप इस पर भी क्या सोचते हैं जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।